सो यो व्हाट्सअप गाइज, हाउ आर यू? और गाइज, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रूबिक्स क्यूब की वीडियो। गाइज, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक रूबिक्स क्यूब पे आप इंडिया फ्लैग कैसे बना सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि आप मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोच ये आ गया अपना रूबिक्स क्यूब। और गाइस, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो रूबिक्स क्यूब है वो ऐसे सॉल्व स्टेट में होना चाहिए। अगर आपका रूबिक्स क्यूब स्क्रैम्बल्ड है तो आप पहले उसे सॉल्व स्टेट में ला दीजिए, फिर ही आप इंडिया बना पाएंगे। तो गाइस, मेरा रूबिक्स क्यूब तो अभी फिलहाल सॉल्व स्टेट में ही है, और मैं आपको पोजिशन बता देता हूँ कैसे रखना है। गाइस, ये देखिए, ये जो ब्लू है ना, ये ब्लू और ये वाइट, इसको ऐसा रखना है। एंड गाइज, ऑलवेज कीप इन माइंड कि ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर के ऊपर वाइट ऐसा वाइट होना चाहिए कुछ इस पोजिशन में, वरना आपका बिगड़ जाएगा इंडिया फ्लैग। तो गाइज, ऐसी पोजिशन में ही होना चाहिए, ब्लू के ऊपर वाइट ऐसा। तो गाइज, सबसे पहले हम मतलब इंडियन फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं। सबसे टॉप पर होता है सैफ्रन कलर, और गाइज आई थिंक ये है हमारा ऑरेंज कलर इधर। तो हम बस सिंपली ये जो ऊपर वाली लेयर है एक, इसको ज़रा लेफ्ट साइड में ऐसा ट्विस्ट कर देंगे तो अपने पास ऑरेंज आ जाएगा। एंड गाइज, अभी सब एकदम नीचे में होता है ग्रीन कलर। अभी देखते हैं अपने पास ग्रीन कलर किधर है। ये रेड आ गया, ये है ग्रीन। तो गाइज, सिंपली हम नीचे वाली लेयर को दो बार ट्विस्ट कर देंगे राइट साइड में तो अपने को ग्रीन मिल जाएगा। अब गाइज, एक प्रॉब्लम है कि ये जो वाइट कलर है, ये दो, इनमें के हमें सिर्फ ये दो बीच के वाइट कलर इधर और इधर चाहिए। तो वो कैसे करेंगे गाइज, ये भी बहुत सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका लेफ्ट वाला जो है ना, ये लेयर लेफ्ट वाली, उसको पहले नीचे लाना है। गाइज, कीप इन माइंड, गलती से भी अगर आपने राइट वाला लेयर नीचे ला दी पहले तो इंडिया का फ्लैग तो बन जाएगा लेकिन फिर वो वापस ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए कीप इन माइंड कि जो लेफ्ट वाली लेयर है उसको सबसे पहले कुछ इस तरह नीचे लाना है। एंड गाइज, अभी इधर तो ये जो ऑरेंज और ग्रीन था वो चला गया और वाइट लेयर आ गई, तो इसको कैसे गायब करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। गाइज, सिंपली आपको क्या करना है, जो मिडल वाली मिडल लेयर है ना, सेकंड वाली, उसको आप बस थोड़ा राइट साइड में एक बार ट्विस्ट कर दीजिए कुछ इस तरह, ऐसा कुछ ट्विस्ट कर दीजिए और ऐसा कुछ पैटर्न होना चाहिए। गाइज, फिर उसके बाद ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर आप देख सकते हैं, इसको आप बस ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए और जो हमने इधर पलटाया था ये ट्विस्ट, उसको वापस इधर ला दीजिए। तो अपना ये एक वाइट तो इधर हो गया, दूसरे वाइट को के साथ भी सेम वैसा करना है। इसको ऐसे नीचे ला दिया, फिर इसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करके ये जो लेयर है इसको ऊपर डाल देंगे। एक मिनट, ये थोड़ा मतलब अटक गया। हाँ, तो इसको ऐसे ऊपर डाल देंगे और ये जो है इसको वापस इधर मिडल में ला देंगे। एंड हियर वी गो गाइस, ये बन गया हमारा इंडिया का फ्लैग। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट डाउन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।